बात और मतलब जब तुम बुरा कर्म करोगे ना बहुत आनंद आएगा, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़ी भयंकर देखेंगे। बुरा कर्म खून की तरह, खून कैसा होता है? सुर्ख लाल, और जमीन में थोड़ी देर में काला हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह, बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना बहुत मुलायम रेशम से, लेकिन जमीन से निकलता है तो कहां है? याद रखना लोगों, जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, परिणाम बड़ा भयंकर है। आज दुर्योधन अनाथों की तरह रो रहा है, कुंती बड़ी खुश है, कुंती खुश है। हमारे पांच पुत्रों ने पापी का विनाश कर दिया, बड़ी खुश है। और दुर्योधन की मैया गंधारा एक कमरा में बैठी है, सो के सो मर गए, घुटनों में मुंह छुपा के रो रही है। तब तक कानों में 50 उठाएगी, मानो कोई कमरे की तरफ आ रहा है। गंधारा की हिचकी रुक गई और बोली, कौन है मेरे कमरे की तरफ? कौन है? अब आ जाइए भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। गंधारा ने बोली, आओ देवर बैठ जाओ, चाचा विदुर बैठ गए। गंधारा कहने लगी, देवर हमें एक बात बताओ, हमारे स्वपुत्रों में से सब समाप्त हो गए, कोई जिंदा भी है? चाचा विदुर आंखों में आंसू भर के बोले, भाभी 99 की लाशें सड़ गई है, तुम्हारा देश दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी, अपने शरीर को पशुपक्षियों से बचाने में लगा है। सोए गंधार फिर पपक पपक के रोने लगे। चाचा विदुर बोले, भाभी रोने से कुछ नहीं होगा, भाभी चिड़ियों ने खेत को चुन लिया है। गंधार की हिचकी रुक गई और कहने लगी, देवर विदुर पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, पांचों पांडवों ने कुंती के पैर छुए, कहा मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय पा के। गंधारी बोली, विजय मान भक्त तुम्हारी विजय हो। जब मेरा बेटा दुर्योधन सच हट के मेरे सामने आया तो कहा मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं दुश्मनों से विजय पा के। मैंने कहा, बेटा बेटा बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता मैं विजय मान भव का आशीर्वाद देता, तू तो अपने भाइयों को मारने जा रहा है, मैं विजयी बार भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर मित्र मेरा बेटा दुर्योधन बिना आशीर्वाद के चला गया, तब तो मुकाबला था कुंती के पुत्रों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के पुत्रों से। मरने से पहले अपने बेटा का मुंह देख लू। चाचा पितर मुझे पकड़ के वहां ले गए जहां दुर्योधन आए भर रहा था, जानवर भगा दिए चाचा,
मैया गंगा ने दुर्योधन के माथे को चूम लिया, दुर्योधन ने मां के पैर छू। गंधा ने बोली, बेटा कितना समझाया था कि पांडवों को पांच ही गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान ने कही देखा दुर्योधन पांच गांव दे दो, तो तूने कहा कि यहां भी जाना भी धर्मा, अहम ही यहां जाना भी अधर्मा। माधव में धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के शुल्क नौकर नहीं देते। और जब हमने कही कि लला भगवान की बात मान ले, तब तू हमसे क्या बोला कि जब ग्वाल गमारा हीर को तो भगवान बताइए। जो अहीरो की लड़कियों में, जादौन की बेटियों में, सोमवंशियों की लड़कियों में नाश आ रहा, दही माखन मांग मांग के खाता रहा, इस आहिर को भगवान बता रही है तू? जब एक ही गुण है, ये बंसी अच्छी बता देता। गंधार की बोली, बेटा वो आहिर की बंसी नहीं, बंसी बनकर तू मछली तरह फंस लिया। और परिवार का नाश हो गया। दुर्योधन रोने लगे और कहने लगा, मां तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था, मैं धर्मराज की पूजा करता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा विनाश कर दिया। याद रखना लोगों, गलत संगत कभी मत करना। शराब की संगत करोगे दारू पीने लगो, जुआर की संगत करोगे जुआ खेलने लगो, लुटे लफंगे की संगत करोगे पढ़ाई बहन बेटी बगुल डालने लगो। हमेशा सज्जन साधु अच्छे लोगों की संगत करना। गंधाले चौंक पड़ी कि दुर्योधन कह के रहा कि मैं धर्मराज की पूजा करता, क्योंकि दुर्योधन के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं सुनी पहली बार से। और एक बात और बताओ, नीच की पहचान कहा जाना, नीच की पहचान बाके मुंह से शब्द हमेशा जो निकले जहर का बुरा हुआ। पागल पे गुदना गुदवाओ तो उल्टो सूटो गूंजे हो, वो ऊंट पेड़ पे पहुंची हो तो पत्ते पत्ता सूटे हो, अंधा भैंसिया कुतवाई हो तो नौ की ज्यादा कूटे को, और कुत्ते से कितनो समझ आई हो तो टांग उठाई के मोटे हो। गंधा कहने लगी, बेटा दुर्योधन भरी सभा में लायो
अंधार में कहने लगी, कह रही है द्रौपदी। बेटा उसने कहा एक अबलाज में भरी सभा में कौन जब कंगी देखेगा और ज्यादा भीषण सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। जो महात्मा है, जो ब्रह्मचारी है, जिन्होंने पराई स्त्री को कभी भेद दृष्टि से नहीं देखा, ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। पूर्वी राक्षसा दृत्य करो ब्राह्मण स्मरता, ब्राह्मण नहीं है राक्षस है। और वो ब्राह्मण राक्षस होता है जो धर्म का अपमान देखता है। सत्यानाश हो जाएगा, हमारा पति भंगत बने हैं, इसलिए तुम मनमानी करने पर तो ले एक दिन खड़ा पाप का भरे। लेकिन लोगों कोई नहीं बोला, चारों तरफ देख रही कोई नहीं बोला। तो द्रौपदी बोली, समझ चुका लोगों।
कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ठोकर खा समझते हैं और कर्म ही जो होते वो आदत को नहीं बताते। याद रखना, परमात्मा ने ठोकर भी दी है पापी को, लेकिन ये मनुष्य नहीं, मानव नहीं है, दानव है, एक इंसान, ये शैतान इंसान, कुत्ता कितनी अच्छी तरह से पाली लेते आए कौन से प्रेम से पारों पर जैर घटे न दूध पिलाई, कुत्ते बैठ के मैं आप चुके तो कौ न माने हाथ उठाई, सक्कर बूढ़ो खूब खबाबो कौआ न माने कुबर चुके खाए। और स्वामी शिवराम एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है कि नीच न माने जाति जनाई, जो नीच होता है, नीच को जाति नहीं होती, नीच कर्म होता है, और नीच कर्म करने वाला कभी बदलता नहीं। जब कोई नहीं बोला कर्ण खड़ा, कर्ण बोला है बात बोल रही, कोई तू सत्य सावित्री है क्या? कर्ण बोला कोई तू सत्य सावित्री है क्या? बात बात को रहे तू भ्रंटी और बदमाश है, ये सब कर्ण बोल गया। और जो कर्ण ने ये सब कहा लोगो, द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए, जब कर्ण ने ये कहा तू गुंडी और बदमाश पांच पांच को, तो द्रौपदी ने आंखों में आंसू भर के कहा और बदमाश बताए बाकी
पति मरे मेरे सियो धन बुनार समझ मेरे पातो पति मरे मेरे चलते चलते फाल्गुन का महीना आ गया।